हेलो जी। हेलो, नासिर हुसैन बोल रहे हो भाई साहब? पत्रकार हाँ पत्रकार, एक प्रॉब्लम आ रही है हमें। प्रॉब्लम जी बताइए। ये है जी, हमारे भाई घर से एक औरत भाग गई थी रात उसकी, अच्छा और वहां हम गए पुलिस चौकी, वहां पुलिस वाले दरखास्त नहीं ले रहे हमारी। अच्छा अच्छा पुलिस वाले दरखास्त नहीं दे आपकी, क्या हाँ, दरखास्त नहीं ले रहे हैं। उसमें कह रहे हैं? कहना क्या ये है, उसमें दलाल होता है ना, दलाल अच्छा दलाल उनके तरफ से हुए पड़े हैं, उन्हें पैसा दे लिखवा रखे हैं दलाल ने पुलिस वाले के लिए। अब अच्छा ये दिक्कत आ रही है, कहा ना अब दरखास्त नहीं ले रहे। अब क्या कह रहे हैं, तुम तो झूठ बोल रहे हो और हमारे घर से और बगैर हमें ही झूठ बना रहे हैं। अच्छा कब भागी औरत? वो रात तकरीबन 2:15-20 पे लास्ट है वो भाग गई। अच्छा, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी जो उसको भागना पड़ा? उसके लिए कोई परेशानी नहीं थी, उसकी मम्मी पापा थे ना जो, जी अच्छा उनने उसके लिए एक लड़का है कहा नाम राजा काका, उससे उसका नाजायज संबंध है। अब जो कितने दिन पहले थे उससे बातचीत होती थी, बार बार वो पकड़ लेता था फोन पे बात करते को। अच्छा अब उसके साथ वो भाग्य, उस मम्मी पापा ने भगवाई है रात को, लो ये यहीं पे रुके हैं, रात को हमें पता नहीं था यहीं है वो दुबक छिपक के यहीं पे थे। हाँ, अच्छा कहीं आप यहीं नजदीक दुबके पड़े थे। उसने उस पास लड़की के पास फोन था, उसने उनसे अच्छा कॉल करके, हमारे भाई का फोन था, उसने उसका फोन लॉक खोल कर, उसने बातचीत हो गई थी दिन में पहले आ गए थे जब वो, अच्छा आपको क्या पता जब बातचीत हो गई थी? वो कल उसकी पापा आए थे ना, तो पापा भाई अच्छा जब उनसे बातचीत हो रही थी उसकी अलग में। अब हमें तो पता नहीं था ऐसा होगा हमारे साथ। अब उनकी उससे बातचीत होगी, फिर रात में भाई साहब का फोन लगा हुआ था, चार्जिंग में लगा हुआ था उसके, उसने लॉक खोल गए, उससे फोन करके पहली बातचीत होगी भी इधर, फोन अच्छा करके रात कोई 2:30 बजे से 2 बजे 2:15 पे वो यहाँ से निकल गई थी। सब जब सो जाते हैं, सोचा आप कहा ना 2 बजे तक से जागे थे हम, अच्छा 2:30 बजे तक जागे थे हम कम तकरीबन। उसने पहले कह दिया था मैं आज भागूंगी तुम्हारे पास से, तो अच्छा उन्होंने कह तुम दिया था पैसे तो पहले रोक ही? लियो वो। हाँ, पहले ही कह दिया था, इसमें बात था, हमें से सबन अच्छा से कह दिया था उस दिन में से, डेढ़ गाँव में पता है, सबन के सामने कह दी थी आज अगर रुकती हूँ तो रोक लियो ना, तो अगर रुक गई तो आज सदम अदालत रुक गई, ना तो सदम अदालत जाऊंगी आज मैं निकल कर। अच्छा उस औरत ने अपनी जबान से चीज कही आप लोगों से? हाँ, जबान से कह दी थी पहले ही ये बात, उसने पहले कह दी थी हमसे। अच्छा कौन से गांव से बोल रहे हो साहब? गांव पुनहाना से, पचपड़वास नगड़ा। अच्छा, पटवड़बास से बोल रहे हो आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? पापा मेरा नाम सैफुल जी, का नाम? दीन मोहम्मद। अच्छा, तो फिर आपने जैसे दरखास्त लगा रहे हैं तो पुलिस वाले आपकी दरखास्त नहीं ले रहे हैं, दरखास्त नहीं ले रही हूँ, क्या कह रहे हैं ये? मुहूर्त नहीं लगा रहे, दरखास्त तो ले ली, मुहूर्त नहीं लगा रहे, उसको काम तो कर ही ना रहे पक्का। बोल क्या रहे हैं ये आपसे? अच्छा ये कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, हम तेरे को बिठा लेंगे भाई, कोई बिठाने कह रहे तो हम तेरे को बिठा लेंगे यहाँ पे, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उनकी देखो तुम, हमें ये झूठ झूठ बका रहे, हम सीन करे, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा जो ये लोग ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि झूठ बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या पता हम झूठ बोल रहे हैं, तो आपने नहीं बोला उन लोगों से? कह तो दियो ना, मैं कि हम कम ना, क्या पता मैं झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं तो मैं कि 10-20 आदमी गांव के नहीं आते हमारे साथ, झूठे आदमी के साथ 10-20 आदमी पहुंच जाते रहे कहीं। हाँ, अच्छा अब ऐसे कह रहे हैं, जब वो कह रहा था इंचार्ज नहीं आया, इंचार्ज नहीं आया, फिर इंचार्ज के इंतजार में करा, तो इंचार्ज अब तक नहीं आया था, फिर हम गए नहीं, उसने तो लिया ही नहीं हमारे से, हम तो वापसी आ गए। फिर क्या करें, मैं गरीब आदमी, मिलती अच्छा, तो क्या चाहते हो आप मन बताइए। के, हम इंसाफ चाहते हैं जी, हमें इंसाफ मिले, हमारे हमारे जो घर से हमारी औरत है वो हमारे घर के लिए आई ले जाए, अच्छा हम तो ये चाहते हैं।